हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे और ये ड्रेस हमने सुविधा की हेल्प से बनाई है। सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है और इसे हमने रुमाल से बनाया है। जो हमारे 10 रुपये की रुमाल आती है उससे मैंने बनाया है और साथ में हमने कैप भी बनाई है मैचिंग की। तो ये ड्रेस बनाना बहुत ईजी है गाइस। आप वीडियो पूरी देखें, मैंने वीडियो में सभी चीज़ें एकदम क्लियर आपको समझाई है बहुत अच्छे से। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद ये पहली वीडियो बन रही है, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू है। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गाइस। मैंने पिछला जो भी टाइम बिताया है यूट्यूब पे, उस पर आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा सपोर्ट किया। ऐसे ही आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके 1 सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, फिर आगे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होंगी। अब धीरे धीरे हैवी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो रही हैं, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashionvilla50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस। ये ड्रेस हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये रुमाल ली है। ये आपको 10 रुपये में मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ये हमारी प्योर कॉटन की रुमाल है। और इसके पहले भी मैंने रुमाल से ड्रेस बनाना बताया है, तो ज़रूर चेक करें आप। मैं इकट्ठा ही 12 लेके आई थी। ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। तो मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी उस पर आप सभी लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया, तो आप ये वीडियो भी देखें। ये भी बहुत इजी है, आप बहुत आसान तरीके से इसे बना लेंगे। तो आज मैंने कान्हा जी को लिया हुआ है। ये मेरे कान्हा जी 7 नंबर के हैं। जो लोग मुझे रेगुलर नहीं फॉलो करते हैं उनको नहीं पता होगा, तो ये मेरे कान्हा जी हैं 7 नंबर के। तो आज मैं नाप के बताऊँगी कि आप कैसे नाप के पोशाक बना सकते हैं। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि आपके कितने इंच के कान्हा जी कितने नंबर के हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए और चेक करिए। मैंने शॉप पे विज़िट किया था और वहाँ पे कान्हा जी को नाप के जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, तो आप ज़रूर चेक करें। ये देखिए, कान्हा जी को यहाँ से हम ऐसे मेज़र करेंगे। ये इनका जो कान है, कान के एकदम नीचे से आप ध्यान से देखें, और इंच टेप को ऐसे टाइट करके नहीं, इंच टेप को ऐसे इनके शरीर से लगाते हुए तब नीचे लेके आना है। ये देखिए सरक रहा है थोड़ा, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से इंच टेप को ऐसे लगाते हुए आएंगे और यहाँ से ये इनके पैर के बीच तक आएंगे। ये जो इनके पैर का सेंटर पार्ट है यहाँ तक आएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से ऐसे लगाते हुए ये और इनके पैर के एकदम सेंटर पार्ट तक आएंगे। तो ये देखिए, मेरा ये आ रहा है 4.5 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख लूँगी। टोटल 5 इंच लंबाई लूँगी मैं। तो 5 इंच लंबाई का कट करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसे डबल कर लेते हैं। ये हमने डबल कर लिया और डबल करने के बाद अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे। हमें यहाँ से 5 इंच लंबाई रखनी है। ये देखिए 5 इंच, 2 पीस निकलेंगे यहाँ से 5-5 इंच के। ये देखिए, ये 5 इंच इधर से और इधर से भी 5 इंच। अब इन दोनों मार्कों में मिला देना है इस तरह से, यहाँ पे रखेंगे और इसे मिला लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे मिला दिया। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब इन दोनों पीसेस को इकट्ठा करके सिलना है। अब देखिए फ्रेंड, सिलने से पहले हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे डिज़ाइन आ रही है इसे हम कट करके हटा देंगे, जिससे ये पूरा फैब्रिक हमारा एक जैसा हो जाए। तो चलिए हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ से ऐसे डबल करते हैं और कट कर देंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है रुमाल से आप पोशाक बनाएं। इसमें आपको ज़्यादा सिलाई भी नहीं करनी होती है। तो ये बस डिज़ाइन ही मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमने कट कर दिया, ये हमारी डिज़ाइन कट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सिल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाल दिया है,
हम सुई धागे की हेल्प से ही बनाने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे सिलेंगे इसे। सबसे पहले हम लॉक करते हैं, फिर यहाँ पे छोटी छोटी सी सिलाई लगाएंगे। और हाथ की सिलाई हमारी बहुत पक्की होती है, मशीन की सिलाई के खुलने के चांसेस भी होते हैं, बट अगर आपने हाथ से सिलाई की है तो जितने टाइम में आपकी मशीन से खुलेगी उसके डबल टाइम में आपके हाथ वाली खुलेगी। हाथ की सिलाई बहुत पक्की होती है। बहुत सारे टेलर हैं जो हाथ से ही सिल के देते हैं, पूरा आपका पूरी पूरी पोशाक आपकी हाथ से सिल के दे देंगे। और मैं कान्हा जी की पोशाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी बड़ी पोशाक की बात कर रही हूँ, जैसे कुर्ता हुआ, पजामा हुआ, इस तरह। ये देखिए इसे हमने सिल दिया, यहाँ से खींच लेंगे। और खींचने के बाद यहाँ से हम इसे नॉट लगा के कट करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें नॉट लगा लेना है। और यहाँ से कट कर देंगे। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो आप देखिए ये हमारा पूरा डिज़ाइन एक जैसा हो गया है, कहीं बीच में लाइन नहीं है। और ये जो हमारी स्ट्रिप निकली है ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे। अभी मैं बताऊँगी कैसे कहाँ यूज़ करना है, हमारा थोड़ा सा अभी पार्ट वेस्ट नहीं होने वाला है। ये देखिए इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेट बनानी है। इस तरह से प्लेट बनाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। ऐसे हमारी प्लेट बनेगी और यहाँ पे हम इसे सिलेंगे। तो बहुत पास पास नहीं प्लेट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा दूर पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है ये और बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से दूरी पे बनाएंगे थोड़ी। अब आप देखिए इसे कैसे सिलना है। सबसे पहले तो नॉट लगा लेते हैं, ये हमने नॉट लगाई। अब यहाँ से ये प्लेट को ऐसे सिलेंगे, ये देखिए ये हमने प्लेट का एकदम फ्रंट साइड से फेस पकड़ते हुए सिल दिया है। और फिर यहाँ से सिलेंगे, सभी प्लेट को हमें सिलते जाना है एक बार। ये देखिए, तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे प्लेट डाल दी। अब प्लेट डालने के बाद आपको ये चीज कितने इंच में करनी है आप ये भी देख लें, कान्हा जी को लें। और यहाँ से ऐसे करके ये जो इनका हाथ आ रहा है यहाँ से, ये आपको कट दिख रहा होगा, ये कंधे से हम मेज़र करेंगे। तो ये देखिए ये 2.5 इंच आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 2.5 इंच आ रहा है। तो हमें 2.5 इंच को डबल करना है और 5 इंच पे यहाँ ऐसे रखना है। ये देखिए ये हमारा 5 इंच है, आप ऐसे डायरेक्ट भी मेज़र कर सकते हैं। ये हमारा देखिए 5 इंच है, तो इस तरह से हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसे हमें डबल करना है। और डबल करने के बाद हम इसे देखिए थोड़ी दूर यहाँ तक इस साइड से कट करेंगे। इस साइड से तो ये पूरा खुला है, इस साइड से हम थोड़ी दूर कट करेंगे, ये ज़रूरी है हमें कट करना। तो यहाँ से हम इसे थोड़ी दूर तक कट कर देते हैं, ये हमने कट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ से ये खुल गया है, ये यहाँ से खुल गया है, हल्का सा और कट देते हैं। लगभग आधा आप कट कर ले, आधी दूर। ये देखिए हमने यहाँ पे लगभग आधी दूर कट कर लिया, जितना ये है उसका आधा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करके सिलना है, क्योंकि इधर से भी तो हमें लॉक करना होगा। तो ये देखिए यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और तुरपाई लगाएंगे। ये देखिए सुविधा की हेल्प से तुरपाई लगा लेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। पहले हमने नॉट लगाई, अपने धागे को दो बार यहाँ अच्छे से टक करेंगे। ये हमने टक किया, अब देखिए ये हिस्सा हमने ऐसे मोड़ा है, और यहाँ नीचे से और ऊपर की साइड आते हैं।
थोड़ा सा, फिर से हम नीचे से ऊपर की साइड आएंगे थोड़ा सा, इस तरह से करके हम इसे लॉक करेंगे पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें करना है। ये देखिए हमने यहाँ से इसे यहाँ से ऐसे सिलने के बाद यहाँ से भी फोल्ड करके सिल दिया है। कैसे फोल्ड करके सिलना है, सारी प्लेट ऐसे आप बराबर करें एकदम सीधी, और उसके बाद यहाँ से आप एक बार और दो बार फोल्ड करें और तुरपाई लगा दें। चलिए मैं तुरपाई लगा लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे वीडियो में सब कुछ देखने लगेंगे हम। तो बस जैसे हमने यहाँ तुरपाई लगाई थी वैसे यहाँ पर भी लगानी है। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे इधर से भी सिल दिया, इधर से भी सिल दिया। अब हमने यहाँ पे ये इलास्टिक ली हुई है, ये देखिए ये हमने दो दो इंच लंबी ली है, ऐसे करके आएगी कंधे पे। तो यहाँ से ये देखिए ऐसे करके लगाएंगे, हल्का सा मोड़ लेते हैं जिससे यहाँ पे वाइट वाला ही दिखे सिर, और इसे हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसे सिलेंगे। चलिए सुविधाएँ की अंदर सिल देते हैं। ये देखिए इसे यहाँ पे सिलना है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे करके सिलेगा, समझ लीजिए ये पीछे रहेगा इसके, और यहाँ से भी हल्का सा आप मोड़ें और फिर इसे यहाँ पे ऐसे लगा दें। ये देखिए ये ऐसे करके आएगा, और ये वाला भी हिस्सा यहाँ एक लग जाएगा, और इसका दूसरा वाला हिस्सा ऐसे पीछे आके यहाँ पर लगेगा। चलिए हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएँगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये इलास्टिक लगा दी, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये एक साइड से पूरा खुला ही रहेगा जिसे पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी साइड से कटिंग बची हुई थी मैंने आपको बताया था कि इसे हम यूज़ कर लेंगे, इसे हमें यहाँ से एक बार फोल्ड करना है और एक बार इधर से दो बार फोल्ड करके और यहाँ से सिल देना है। छोटी छोटी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही तैयार करके रखा है, इस पर छोटी छोटी सिलाई लगा ली है, आपको दिख भी नहीं रही होगी। देखिए इस पर हमने सिलाई लगाई हुई है। हम क्या करेंगे, अब इसे इस तरह से बो बनाएंगे, बो नहीं ये देखिए ये क्रॉस वाला जो डिज़ाइन आता है इसका नाम नहीं मुझे पता है, बना के और यहाँ पे हम साइड पे लगाएंगे ऐसे करके। आप इसकी कोई भी साइड सीधे कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर से भी लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके। बट ये पिंक वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे पिंक वाले साइड से ही लगाऊंगी, यहाँ से बना लेते हैं पहले इस तरह से, और बनाने के बाद इसे हम सिल देंगे। तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से सिल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक डोरी इसे बांधने के लिए पेट से। तो ये हमारी ड्रेस हो गई। अब कैप के लिए आप देखिए जो हमारा फैब्रिक बच गया था, ऐसे एक पतली सी स्ट्रिप बची हुई थी आप अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो इसे हमने नीचे से यहाँ पे फोल्ड करके सिल दिया है। तो फोल्ड करके सिलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो अपने सुई में धागे में नॉट डाल देते हैं, और सिलाई यहाँ से देखिए किस तरह से लगानी है, ऐसे करके लगाएंगे छोटी बड़ी। ये देखिए पूरे पे हमें लगाना है, ये हम कैप बना रहे हैं। तो एक ही रुमाल में ड्रेस भी हो गई और देखिए कैप भी रेडी हो रही है। और पिछली वाली जो वीडियो मैंने बताई थी वहाँ पे मैंने एक ही रुमाल में ड्रेस भी बनाई थी और कैप भी बनाई थी प्लस लंगोट भी बनाई थी, तो आप ज़रूर चेक करें वो वीडियो भी, काफ़ी हेल्पफुल होगी वो भी वीडियो आपके लिए। और वो मैंने सिलाई मशीन से बनाया था और यहाँ पे मैं सुई धागे का यूज़ करी हूँ। और देखिए आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं कि सुई धागे का यूज़ क्या है, तो इसे हम सिलाई मशीन से कैसे बनाएं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सिलाई मशीन से। जहाँ पर मैंने सुई धागे का यूज़ किया वहाँ पर आप सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं। बस ये वाली जो अभी मैंने सिलाई लगाई है तुरंत अभी, ये सीधी वाली, ये वाली सिलाई आपको सुई धागे से ही लगानी होगी। अब देखिए इतना सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है, कान्हा जी के सर से इसे ऐसे मेज़र कर लेना है। तो मेरे कान्हा जी को ये आ जाएगा,
मैं यहाँ पे इसे ऐसे सिल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इसे दोनों को इकट्ठा ज्वाइंट कर देना है और उल्टी साइड से करेंगे ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों को भी सिलना है। तो पहले यहाँ पे नॉट लगा देते हैं जिससे इसके खुलने का टेंशन ना हो। ये हमने नॉट लगा दी, अब ये यहीं पे सेट हो गया है। और नॉट लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसे सिलना है ऐसे सीधा सीधा सिलेंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है कैप का भी, और सीधा सिलने के बाद यहाँ पे नॉट लगा देनी है। ये हमने नॉट लगा दी, अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पे भी हम इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगानी है। ये देखिए, एकदम आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप ज़रूर ट्राई करें अपने गोपाल जी के लिए, आपको मार्केट से ये रुमाल आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए, ये ऊपर वाली ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं, अपने धागे को पूरा खींच के टाइट कर लेंगे एंड में। ये देखिए, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी हम वहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पूरा ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। ये हमने टाइट कर दिया, यहाँ पे एक दो सिलाई लगाएंगे, फिर नॉट लगा के कट कर देंगे। ये हमने दो सिलाई लगाई, यहाँ से नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। बस हमारी कैप रेडी हो गई। ये देखिए, ये हमारी ब्यूटीफुल से कैप रेडी हो गई है। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आप चाहे तो ये हिस्सा फ्रंट पे कर सकते हैं, बट मैं ये वाला हिस्सा करूँगी फ्रंट पे। तो ये हो गई हमारी ड्रेस और ये हो गई कैप। तो चलिए हम गोपाल जी को इसे पहनाते हैं और देखते हैं उनके ऊपर ये कैसी लग रही है। अब हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया है, इनकी पोशाक पहना देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आएगी और सबसे पहले तो ये गले से डाल लेते हैं, इसीलिए हमने इलास्टिक लगाया है। चूँकि मैं गोपाल जी को चंदन भी लगाती हूँ तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है अगर उस पर कुछ लगेगा तो। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो गई। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे पहना दिया और मैंने ये डोरी ली है। डोरी के हेल्प से हम यहाँ पे बांधेंगे, सेम कलर में मैंने डोरी ली है। ये देखिए, जब बांधेंगे आप तो ये जो साइड से खुला हुआ है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पहनाने में भी। ये देखिए, ये हो गई पोशाक। एकदम आसान तरीके से हमने इसे पहनाया है गोपाल जी को। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप सेट करें, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप देखें, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये कैप लगा लेते हैं, और कैप के बाद ये मैंने इनके इयर रिंग पहना देती हूँ। आप देखें, बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसे बनाना बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। और बैक साइड से भी देखिए पूरा कवर है, छोटी सी फ्रॉक आई है हमारी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।